नमस्कार दोस्तों, मैं शमशाद से मुखातिब हूँ। लाइव विद आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वसक्ता के पत्तों के औषधीय गुणों के बारे में। तो दोस्तों, ये जो आप पौधा देख रहे हो, इसको संस्कृत में वसक्ता कहते हैं, हिंदी में बासा अड़ूसा बोलते हैं और उर्दू में अड़ूसा बासा बोलते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों को खांसी है उनको क्या करना है कि वसक्ता के ताज़े पत्तों का एक चम्मच रस निकालना है और उसमें एक चम्मच शहद मिलाना है और सुबह शाम उनको नियमित तौर पर इस्तेमाल करना है। एक हफ्ता तक करें, आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी दोस्तों। हाँ, इसके साथ अगर किसी को टीबी की वजह से खांसी हो रही है तो वो टीबी की दवाई खाता रहे और उसके साथ इसमें वो अदरक का जूस एक चम्मच ऐड कर ले और सुबह शाम खाए तो उसको खांसी में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, जिन लोगों को डायरिया डाइसेंट्री है उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि है। उनको करना क्या है, इसके ताज़े पत्तों का 4 ग्राम रस निकाल के सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। 5-7 दिन इस्तेमाल करने से उनको डायरिया डाइसेंट्री की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, इसके साथ जिन माँ बहनों को मेंसेस पीरियड में महावारी में खून बहुत आता है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि है। इसमें खून को रोकने के प्रपटी गुण होते हैं। और दोस्तों, उनको क्या करना माँ बहनों को कि बसुका के ताज़े पत्तों का 15 ml रस निकालना है और उसको 15 ग्राम गुड़ के साथ मिला के इस्तेमाल करना है सुबह शाम और बहुत ही जल्दी उनको ये बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, जिन लोगों के घाव नहीं बढ़ते हैं उनको क्या करना है कि इसका पत्तों को कुट के घाव पर लगाना है और बहुत जल्दी उनके घाव बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। हमारे फेसबुक पर हमारे ग्रुप लाइव विद आयुर्वेदा से जुड़ें, वहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब हर छोटी बड़ी बीमारी का घरेलू आसान और कारगर इलाज बताते हैं। खुद फ़ायदा लें और दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुँचाएँ, खुद जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी रोज़ आपसे बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।